मिथिला का दिल है दरभंगा, दरभंगा बंगाल का द्वार है, यानी द्वार बंगा, जो बाद में बदलकर दरभंगा हो गया। ये पान और मखान के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यह दरभंगा राज के अधीन था, जिसकी स्थापना अकबर के शासनकाल में हुई। इसके अंतिम शासक राजा कामेश्वर सिंह हुए, जिन्होंने 1929 से भारत के स्वतंत्र होने तक राज किया। इन्हीं के पूर्वज लक्ष्मीश्वर सिंह के नाम पर यहां संग्रहालय की स्थापना हुई है। लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय में इन दिनों केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत संचालित राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान शाला NRLC द्वारा दुर्लभ कलाकृतियों को संरक्षित करने का काम किया जा रहा है। इस संग्रहालय में हाथी दांत की बहुमूल्य कलाकृतियां, फर्नीचर और शस्त्रागार हैं। संरक्षण का कार्य NRLC के वरिष्ठ सहायक संरक्षक PK पांडे के नेतृत्व में 4 संरक्षकों की टीम कर रही है। अभी इनमें जो कुछ कलाकृतियां इंसेक्ट से अटैक है, जिनमें उनमें इंसेक्टिसाइडल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, और सभी कलाकृतियों का फोटो डॉक्यूमेंटेशन, ग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन ये कार्य किया जा रहा है। उनमें जो विकृतियां हैं उनके अनुसार क्या ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उसकी प्लानिंग की जा रही है। ये लोग संग्रहालय की 155 कलाकृतियों को वैज्ञानिक पद्धति से संरक्षित कर रहे हैं। इस कार्य में लगभग 3 वर्षों का समय लगेगा। संग्रहालय में लकड़ी, पत्थर और अन्य सामग्री से निर्मित सैकड़ों साल पुरानी कलाकृतियां हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हाथी दांत से बनी कलाकृतियों का संग्रह है। NRLC के लोगों का कहना है कि इस संग्रहालय में हाथी दांत से बनी कलाकृतियों का संग्रह भारतवर्ष में सबसे समृद्ध है, जो इस संग्रहालय को महत्वपूर्ण बनाता है। इन कलाकृतियों का वास्तविक स्वरूप क्या रहा होगा, इसके लिए ज्यामितीय रेखाचित्र बनाए जा रहे हैं और कंप्यूटर की भी मदद ली जा रही है। NRLC दिल्ली से आए आविष्कार तिवारी कहते हैं कि इन कलाकृतियों के संरक्षण में काफी सावधानी बरतनी होती है। फर्स्ट स्टेज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन में हमारी टीम इस तरीके से उनके स्केचेस बना रही है, ग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन की जा रही है, और उसके सारी डिटेल्स लिखे जा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की रेलेवेंस क्या है, ऑब्जेक्ट में प्रॉब्लम क्या है, और उसको क्या प्रपोज ट्रीटमेंट है, कैसे उसको ट्रीट किया जाएगा। सेकेंड स्टेज में वो सारी चीज़ें उसकी सॉफ्ट कॉपी मैं तैयार कर रहा हूँ, और ये सारी कॉपी हमारे सीनियर उसको वेरीफाई करेंगे कि क्या प्रोसीजर सही है और उसमें क्या ऐड ऑन किया जा सकता है। अब फिर हम उसके बाद ट्रीटमेंट की ओर जाएंगे, जिस सीक्वेंस में ट्रीटमेंट के रेकमेंड किया गया उसी प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे। दरभंगा राज के संग्रहालय में रखी ये वस्तुएं राष्ट्रीय महत्व की हैं। संरक्षण के बाद इन वस्तुओं की रौनक देखने लायक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।